हे देर मेरी यूट्यूब की जनता, तो आज काफ़ी क्लीशे अनबॉक्सिंग होने वाली है। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड यूट्यूबर माइक की अनबॉक्सिंग। वैसे आपने अब तक गेस कर लिया होगा, एंड बाय द वे गेस क्यों कराया हुआ है यार, कैप्शन तो आपने पढ़ ही लिया होगा ना, पढ़ा है ना। ऑलराइट, सो ये है हमारा बॉक्स जिसके ऊपर आपको एक बारकोड ऑफ जस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग मिल जाती है। नाउ पीछे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जिसको पढ़ के मैं आपकी सब्जी नहीं पकाने वाला, पॉज करके पढ़ लेना है। तो बॉक्स खोलते ही हमें मिलता है DSLR में लगने वाला 1/4 का कनेक्टर और क्लिप एंड विंड फिल्टर फॉर माइक। आगे बढ़ते हुए आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है, विच इज ऑब्वियसली ब्लैंक कॉज ऑनलाइन परचेज ली है यार, ये चीज़ तो उसमें नहीं आता यार, सबको पता है, क्या बोल रहा हूँ यार, सबको पता है यार। एंड साथ में एक यूज़र मैनुअल जिसमें ऑलमोस्ट सारी जानकारी है माइक के बारे में, बट इट्स रियली सिंपल टू यूज़, सो मैनुअल का इतना भी कुछ काम नहीं है, बिना पढ़े भी चल जाने काम, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड फाइनली आता है लेदर के कैरी केस में हमारा माइक। सो माइक के अंदर आपको एक बैटरी मिल जाती है जिसको आपको यहाँ इंसर्ट करना है अगर आप DSLR के साथ यूज कर रहे हैं, बट फोन्स के साथ बिना बैटरी के भी मस्त रहता, मतलब आई मीन बैटरी तो वैसे भी यूज नहीं होगी क्योंकि ये ऑफ ऑन ऑफ का बटन है और ऑफ में ही आप फोन पे यूज करेंगे। मेटल का है ये एंड काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है अभी तक तो, वैसे मैंने अभी तक पूरा रफ यूजर में तो पता लगेगा बाद में, बट अभी तक ये इतना ही है कि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लग रहा है ये। सो नाउ स्पीकिंग अबाउट केबल लेंथ, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एज जेनरिक माइक में 1.5 मीटर की केबल होती है जिसकी वजह से आप काफ़ी बार केबल को यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, बट इस माइक में केबल काफ़ी ज़्यादा है, आई मीन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया टाइप, उस टाइप की लेंथ है, आई मीन इतनी लंबी उलझ जाए, बट यस कहीं पे भी कितने भी डिस्टेंस पर आप आराम से यूज़ कर सकते हो यानी। तो बेसिकली ये था क्विक अनबॉक्सिंग, अब जल्दी से देखते हैं एक साउंड टेस्ट जेनरिक 200 रुपये वाला माइक वर्सेस बोया M1, एंड बोथ माइक आर यूज ऑन माई iPhone 6s, एंड लेटर ऑडियो सिटी से नॉइस रिड्यूस करके आप सुनेंगे, सो आप खुद जज कर सकते हैं कैसी आ रही दोनों में साउंड और कितना डिफरेंस है। वैसे पहले ही बता दूं ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता दोनों में, अगर फ़ोन में करें DSLR में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाएगा। हेलो ऑल, आज टेस्ट सैम्पल है ये माइक्स का, बट या प्रोबेबली अगर आप भी बजट वाले हैं सो ऐसे छोटे अपग्रेड्स आर गुड, बट बिगर अपग्रेड्स कैन वेट फॉर श्योर। एंड ऐसी कुछ साउंड आप लोगों को मिल रही होगी जेनरिक वाले माइक से, सो सेम लाइन रिपीट कर रहा हूँ मैं बोया माइक से, बट हाँ बोया वाले माइक में क्या आपको थोड़ा दूर डिस्टेंस पर रखना पड़ता है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड आती है। सो रिपीट करते हैं दोबारा से वही लाइनें। हेलो ऑल, आज टेस्ट सैम्पल है ये माइक्स का, बट या प्रोबेबली अगर आप भी बजट वाले हैं सो ऐसे छोटे अपग्रेड्स आर गुड, बट बिगर अपग्रेड्स कैन वेट फॉर श्योर। एंड ऐसे कुछ साउंड आप लोगों को मिल रही होगी इस बोया वाले माइक से, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और थोड़ी सी जो मैंने अजीब सा टाइप का वॉइस ओवर डालने की कोशिश की है जो वॉइस ओवर जैसा लग भी नहीं रहा, पसंद आया होगा और नए स्टाइल की अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर देना इस वीडियो को।